बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ शवारमा की रेसिपी शेयर करेंगे। ये मैं आटा गूंध रही हूँ, 4 कप मैदा है और इसमें 4 टेबलस्पून में डालूँगी घी। ऑयल भी डाल सकते हैं, घी डालने तो ज़्यादा बेहतर है। और 1 टेबलस्पून नमक, 1 अंडा, 1.5 टेबल स्पून ईस्ट थोड़ा सा पानी में, और 1.5 टेबल स्पून इसमें चीनी डाली। ये देखिए चीनी इसमें है अभी, मैंने मिक्स नहीं की, ये मैंने भी भिगो कर रख दिया था। ये हम इसमें डालेंगे। अब इसको हम नीम गर्म पानी से गूंदेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। ये हमने सही से मिक्स कर लिया, अब इसका आटा गूंदेंगे हम। ये मैंने आटा गूंद के रख दिया, 2 घंटे के लिए रख देंगे हम इसे किसी भी गर्म जगह पर, ताकि ये फूल के डबल हो जाए। ये हमने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया हुआ है, इसको हमने देखिए इस तरह से स्लाइस किया है। ये शवारमे के लिए जो चिकन यूज़ होगा वो है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक है, 1.5 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च और हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून काली मिर्च कुटी हुई। और 4 टेबल स्पून दही है, जिसको अच्छी तरह से फेंट कर डालेंगे। ये हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे इसको। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ इसको। और 2 टेबलस्पून इसमें डालूँगी सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका भर के डालें, 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट है ये, 1/2 टेबल स्पून ये फूड कलर है। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से लगा कर रख दूंगी मैं 1/2 घंटे के लिए। ये मैंने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, देखिए कितना अच्छा कलर है। और इसको अब हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे, फिर मैं इसको पकाऊंगी। इसमें हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे, ये गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हम चिकन डाल देंगे जो हमने ये रखा था। 1/2 घंटा हो चुका है, अब ये इसमें डाल देंगे हम। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए मैंने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, चिकन भी गल चुका है और मसाला भी देखिए कितना अच्छा हो गया इसका। आप बिल्कुल इसी तरह से ही ट्राई कीजिएगा। चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम शवारमे की रोटी बनाएंगे। ये हमने 1 कप दही ली है,
इसमें हम हाफ टी स्पून काली मिर्च डालेंगे और ये मैंने मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली और तिल लिए हैं तकरीबन 4-4 टेबल स्पून। इसको मैंने बारीक पीस लिया पानी डालकर। ये जो हम शवारमा में इस्तेमाल करेंगे वो वाली सॉस बनाई है मैंने। इसमें हसबे जायका नमक डाला मैंने। अब हम दूसरी सॉस बनाएंगे। ये तकरीबन 1 कप बंद गोभी है, इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च और तकरीबन मायोनीज लेंगे हम 1 कप के करीब। इसमें 1/2 कप चिली सॉस डालिए। ये हमने सलाद बनाई हुई है जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप उसमें भी मिक्स कर सकते हैं, जो हमने बंद गोभी की जो बनाई है ना सलाद, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। ये हमने रोटी बना कर रखी हुई है, इस पर हम पहले ये सॉस लगाएंगे। आप अलग से भी सर्व कर सकते हैं, रोटी अलग और सब चीज़ें अलग, जैसे आप लोगों को पसंद हो। फिर ये डाल दें। थोड़ी सी प्याज, कुछ खीरे, इसमें सिरके वाले खीरे यूज होते हैं, मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने वो नहीं डाले, आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। जो हमने चिकन बनाकर रखा था ये आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा शवारमा बिल्कुल तैयार है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। रेसिपी भी बहुत मज़ेदार है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप ऐसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।